देखो, जिंदगी के अंदर रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और जिंदगी के अंदर ऐसे कई मोड़ आएंगे जहाँ पे बंदे को बहुत सारा रिस्क लेना भी पड़ेगा। अच्छा। लेकिन भाई साहब, मैं शर्त लगा कहता हूँ कोई ऐसा रिस्क की पूरी पूरी की पूरी व्यू लाइन में नहीं होगा कि जो अपने पेपर से 8 दिन पहले वीडियो बना रहा हो। चुप कर बे कुत्ते। जी हाँ, वो मैं हूँ, खतरों का खिलाड़ी 69। सो आज का हमारा एपिसोड है भाई साहब ऐसे हेडसेट्स के ऊपर जो कि अपनी प्राइस रेंज के अंदर इतने कमाल हैं और इतने सारे फीचर रखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आप मार्केट जाते हो और अपने शॉपकीपर को बोलते हो कि यार मुझे एक चाहिए वायरलेस हेडसेट, और वो सबसे पहले आपको निकाल के देता है भाई साहब बीट्स के वो वाले हेडसेट जो कि हल्का सा ऐसे करने पे अल्लाह को प्यार हो जाते हैं, और उसे ऐसे प्रेजेंट दुकान वाले ऐसे करता है कि भाई सर उस्ताद ओरिजिनल बीट्स ओरिजिनल फुल यूएसए से डायरेक्ट माल उतरा है, ऐसे करके बताता है। और उनकी प्राइस की 1500-1600 रुपए होती है। बेसिकली वो सिर्फ आपकी म्यूजिक नीड्स को पूरा करते हैं, वो भी सिर्फ 20-30%। लेकिन भाई साहब, आपका भाई जो आज हेडसेट ले आया है ना, क्या बात। सो भाई साहब, आज के हेडसेट है हमारे साइबेरिया G01, जो कि बेसिकली आपकी ई स्पोर्ट्स की नीड्स को, आपकी म्यूजिक नीड्स को, आपके हर गेमिंग नेचुरल गेमिंग नीड्स सबको पूरा करने वाले हैं। अब मजे की बात है कि दिस कम्स विद 2.4 GHz ऑफ लॉसलेस लेटेंसी रेट। भाई साहब, यानी बिल्कुल भी आवाज़ तो कट होने नहीं वाली ना आप लोगों की। अब सो इसकी जो प्राइस रेंज है ना भाई साहब, वो है 5000 रुपीज़ के अंदर इतना प्रीमियम बॉक्स, इतने प्रीमियम हेडसेट्स, इतने सारे लवाजमात, और सिर्फ 5000 रुपये में। लाइक सीरियसली, आई एम नॉट कडिंग। शायद अब इनकी प्राइस बढ़ जाए, बट राइट नाउ अगर आप इसे परचेज करते हैं मेरे लिंक के थ्रू या आप डायरेक्ट पॉलक स्टोर से बाय करते हैं, जो कि आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं, थैंक यू सो मच पॉलक स्टोर एंड असलान भाई फॉर स्पॉन्सरिंग आउट द शो। तो अगर आप मेरे से या उनसे बाय करते हैं तो आपको ही मिलेंगे भाई साहब पूरे के पूरे 5000 रुपये के, 4999। और बोलो, 1 रुपये और उड़ाती है ऊपर से। सो अब हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ। मैं हूँ आपका उस टाइम सुल लेके लोएस्ट फीस रूट, मेरे बालों को ना इग्नोर, बिकॉज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, PMLN की हुकूमत, लोड शेडिंग और बाकी सब आप तो कुछ समझते ही हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द डीप। सो भाई साहब, हम आ चुके अपने डब्बा खुलाई की रस्म की तरफ, और प्लीज मुझे इग्नोर करना यार, जिस तरह मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, अल्लाह जानता है। लोड शेडिंग, PMLN और बाकी सब तो आप खुद जानते ही हो। खैर, दैट्स नॉट द केस, आप लोग मुझे देखने नहीं आए, ये चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी। सो अब हम कहने लगे इनकी अनबॉक्सिंग, और सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन अप करते ही हमारे पास आ जाते हैं हमारे हेडसेट्स, जो कि डब्बा नहीं रुक रहा। सो भाई साहब, मैं इसे ट्राई करता हूँ कि इसे मैं अपने माइक को अपने पास कर लूँ ताकि ऑडियो क्वालिटी में कोई खलल ना आए। ओके, अब हम कर लेते हैं ऊपर से इसका ये प्लास्टिक रैप को ओपन अप कर लिया हमने, एंड प्लास्टिक रैप को हटाने के बाद हमारे पास आ जाते हैं भाई साहब सबसे पहले कुछ लाइक हमारी केबल्स वगैरह, जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसे हम रखते हैं साइड पर, रखा नहीं मैंने, फेंक है। और इसके बाद ये आ गई हमारे पास हमारी जो कि ऑक्स केबल, जो कि अगर आप चाहें तो इसे थ्रू वायर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि चार्जिंग वगैरह ख़त्म है, मेरा मैच है या कोई इस तरह, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाता हमारा पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर के बाद भाई सबसे पहले मैं केबल की बात करूँगा, तो भाई साहब केबल हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, हमारे पास टाइप सी केबल मिल जाती है हमारी यहाँ पर, और अगर मैं शायद दिखा भी पाऊँ तो ये हमारी आ गई टाइप सी केबल, जो कि इसकी चार्जिंग पर्पजेज के लिए यूज़ होगी। उसके बाद ये आ गई हमारी भाई साहब ऑक्स केबल, जो कि बेसिकली हमारी यूज़ होगी, यानी ऑब्वियसली कि अगर आप इसकी बैटरी या ऑफलाइन लाइक ऑफलाइन क्या कह रहा हूँ मैं, विदाउट बैटरी आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई भाई साहब हमारी ये USB डॉगल, जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ, इसे आप PC में लगाएंगे, अपने PS4 में लगाएंगे, Xbox में लगाएंगे उसके लिए। एंड देन वी गॉट माइक, जो कि अगर क्वालिटी की बात की जाए तो मैं आगे चल के आपको क्वालिटी भी सुना दूंगा, बट नॉट मच इम्प्रेसिव आई वुड से, तो ये थोड़ा इसका माइनस पॉइंट है। देन उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पे हमारे हेडसेट्स। अब हेडसेट्स के मैं आपको साथ साथ रोल दूसरा बी रोल में दिखाता रहूँगा और इधर से भी ट्राई करता हूँ। सो बेसिकली अगर हेडसेट्स की बात की जाए तो नो डाउट क्वालिटी के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ईयर कप्स की बात की जाए तो ईयर कप्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फ्लफी हैं, लेकिन जो इस तरह के नहीं है कि इसके अंदर आपके प्रॉपर्ली पूरे कान आ जाएं और ये आपको थोड़ा स्वेटिंग वगैरह कराए, नोप ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इसके एयर कप्स इतने बड़े और इतने चौड़े नहीं हैं कि ये आपको उस तरह कंफर्टेबिलिटी दें बट फॉर अ लॉन्ग सेशन, बट स्टिल दीज आर गुड एज कम्पेयर्ड अगर इनकी प्राइस टैग में बात की जाए, और स्टिल बहुत ज़्यादा कम्फी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और मैंने कोई तकरीबन 5-6 घंटे लगातार इन्हें पहना तो मुझे कोई इतना इशू नहीं आया। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके हेडबैंड के ऊपर। हेडबैंड जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये एक्सटेंडर मिल रहे हैं जिन्हें आप एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ईयर्स,
उसके बाद आपको यहाँ पे हेडबैंड मिल जाता है जिसके ऊपर फॉर्म लगा हुआ है। अब आई डोंट नो कि ये कितना लंबा चलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया स्वेटिंग होने के बाद ये बिल्कुल बैठ जाता है फॉर्म। अब आई डोंट नो क्या होता है इसके साथ, बट एज राइट नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट कम्फर्टेबल। ओके, उसके बाद इसे बंद करने के बाद हम आ जाते हैं अपने बटन्स के ऊपर। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमें मिल जाता है वॉल्यूम कंट्रोल, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसी के अंदर ही है। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पे हमारा माइक टर्न ऑन एंड ऑफ का बटन, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ब्राउन फैमिली है भाई, जब कोई भी पीछे से गाली देता हुआ आ जाता है तो ये करना लाजमी है। उसके बाद हमें मिल जाता है हमारे यहाँ पे ऑक्स केबल का पोर्ट, टाइप सी का फॉर द चार्जिंग, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइक के लिए पोर्ट मिल जाता है, जो कि हमारा डिटैचेबल माइक है। एंड यहाँ पे हमारे पास हमारा बटन आ जाता है टर्न ऑन एंड ऑफ का। सो ये थे हमारे बटन्स। और अगर ओवरऑल बिल्ड की बात की जाए तो यार टोटल प्लास्टिक बिल्ड है, कहीं पर मेटल वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, टोटली थ्रू प्लास्टिक बिल्ड है और क्वाइट सॉलिड, ठीक है, अच्छी बिल्ड है, कोई कड़कने वगैरह के चांसेस अभी तक तो नहीं है, बट ओवरऑल इट्स गुड। सो ये थे हमारे वाइज साइबेरिया, और इसकी थोड़ी सी डेप्थ के अंदर मैं ट्राई करूँगा जाने की। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अब ई स्पोर्ट्स के अंदर सीन ये है कि मैंने काउंटर स्ट्राइक खेली है इसके साथ, मैंने कोई और गेम नहीं खेली, सिर्फ काउंटर स्ट्राइक खेली है, तो मुझे साउंड में थोड़ा सा इशू आया है। साउंड में इशू यह है कि मुझे फुटस्टेप क्लियर नहीं आए टोटली, लाइक मुझे उस तरह क्लियर जैसे मुझे G575 प्रोवाइड करता है साउंड, पूरे 7.1 सराउंड साउंड प्रोवाइड करता है, कि मुझे दूर से पता चल जाता है कि यार कहाँ से फुटस्टेप आए, और प्रॉपर मुझे लोकेशन का आईडी हो जाता है। बट बाय वेयरिंग दीज ये आपको टोटल साउंड दे रहे हैं, दोनों में फुटस्टेप आ रहे हैं, तो इस वजह से आप कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे। बट या इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैजुअल गेमिंग, तो कैजुअल गेमिंग के लिए बेस्ट है, मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 वगैरह खेली है, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही अच्छी बेस वाला साउंड है। अब आ जाते हैं म्यूजिक नीड्स के ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे ये चाहिए अपनी एडिटिंग बेस के लिए, या उसके लिए फ्रीलांसिंग के लिए, डैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, या गेमिंग के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए, तो दीज आर द बेस्ट राइट नाउ, बिकॉज इसके अंदर कोई भी लेटेंसी इशू नहीं है, बिल्कुल भी डिले नहीं है, और आप बेहतरीन तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं एज आई रेड। सो ये था वाइज हमारे 2 का सिनेरियो। एंड अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो नो डाउट 5000 की रेंज के अंदर इतने प्रीमियम हेडसेट्स, इतने प्रीमियम बॉक्स पैकिंग और हर चीज़ के साथ, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट डील टू ग्रैब। सो ये थे हमारे हेडसेट आज के G01 साइबेरिया। मुझे दीजिए इजाजत, एज आई एम योर होस्ट रमेश, अल्लाह हाफिज़।